सिमड़ी एलिट साथियों को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडी एलिट सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट इंग्लिश। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को हम बता दें कि हम लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं पवन सीरीज से। इसके पहले हमने तीन से चार क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पार्ट वन या फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वाला वीडियोज़ नहीं देखा है या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं देखा है, तो सिंपल आप सभी को प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। आप जितनी भी वीडियोज़ है बहुत ही आसानी के साथ, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं मतलब बहुत ईजिली तरीके से याद हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दिए। और देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि लेटर किस तरीके से लिखना है। तो देखिए, अभी फ़िलहाल मैं तो अभी सीरीज से आप सभी के साथ डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन जैसे ही ये सीरीज़ ख़त्म होता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर राजन सीरीज शेष रह जाता है। तो जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है आप सभी के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि राइट एन एप्लीकेशन। देखिए, एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। कल हमने लेटर दिखाया था। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फुल फी कॉन्सेशन। कॉन्सेशन मतलब क्या होता है? तो कॉन्सेशन मतलब होता है छूट, ठीक है। यानी डोंट राइट योर नेम एंड एड्रेस, यानी बिना नाम और बिना पते के आपको ये एप्लीकेशन लिखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। लिखने का जो सबसे होता है पैटर्न, यानी द प्रिंसिपल, ठीक है। जो भी स्कूल है, ज़रूरी नहीं है कि आप यही लिखेंगे, मेडी जैन इंटर कॉलेज आगरा, जो भी आपका स्कूल कॉलेज है, जो स्थान है, एड्रेस है, वही नाम लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? रिक्वेस्ट फॉर फी कॉन्सेशन, यानी आग्रह करना है, रिक्वेस्ट करना है, जो भी फी है उसमें कुछ छूट के लिए। सर, ठीक है, सबसे पहले क्या कहना है? विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ द सेवंथ क्लास ऑफ योर स्कूल एंड आई एम अनेबल दे द पे माई स्कूल फी बिकॉज माई फादर वर्क इन प्राइवेट जॉब। बहुत ज़्यादा अच्छा लाइन ये बोला गया है। कह रहा है कि विथ ड्यू रिस्पेक्ट, यानी रिस्पेक्ट के साथ, ठीक है। आई बेग टू से दैट, यानी मैं यह कहना चाहता हूँ, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ द सेवंथ क्लास, यानी मैं स्कूल यानी क्लास सेवन का स्टूडेंट हूँ, छात्र हूँ। आई एम अनेबल द पे माई स्कूल फी बिकॉज माई फादर वर्क इन प्राइवेट जॉब, यानी यहाँ पर कह रहा है कि मैं जो फीस है, ठीक है, फीस का, यानी अपने स्कूल की फीस का भुगतान करने में असमर्थ हूँ। यानी कह रहे हैं ना, आई एम अनेबल द पे माई स्कूल फी बिकॉज माई फादर वर्क इन प्राइवेट जॉब, ठीक है। ये लाइन बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा। और देखिए, किसी भी टॉपिक पे हो सकता है एप्लीकेशन, तो इस तरीके से आप सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करेंगे। उसके बाद देखिए पहला, उसके बाद सेकंड लाइन कह रहा है कि ही अर्न रुपए 8,000 पर मंथ ओनली, यानी आप कह सकते हो केवल वो प्रति माह 8,000 रुपए कमाते हैं, यानी आप कह सकते हो उनकी कमाई है। ही हैज़ लार्ज फैमिली टू सपोर्ट एंड ही इज़ द ओनली अर्नर ऑफ द फैमिली। देखिए, पवन सीरीज में यहाँ बाई मिस्टेक गलत लिख दिया है, बियर्ड लिखा है। यहाँ पे बियर्ड रहने का, बियर्ड मतलब होता है दाढ़ी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो मिस्टेक है, इसको थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ कह रहा है कि ही हैज़ लार्ज फैमिली टू सपोर्ट एंड ही इज़ द ओनली अर्नर ऑफ द फैमिली, यानी कि प्रतिमा कमाते हैं और इतना, यानी उनके पास इतना समर्थन नहीं है। और कह रहा है ही हैज़ लार्ज फैमिली, यानी जो फैमिली है बहुत ज़्यादा बड़ी है, टू सपोर्ट एंड ही इज़ द ओनली अर्नर ऑफ द फैमिली, यानी कि मैं, जो मेरा परिवार है बहुत ज़्यादा बड़ा है और वह परिवार का एकमात्र कमाने वाले हैं, ठीक है। एंड उसके बाद कह रहा है कि आई एम गुड, सॉरी यहाँ पे है फैमिली, ही कैन नॉट पे माई स्कूल फी एज ही इज़ ऑलरेडी पेइंग फी ऑफ माई ब्रदर, यानी कि वह मेरे स्कूल की फ़ीस का भुगतान नहीं कर सकते क्योंकि वह पहले से ही मेरे भाई का फीस दे रहे हैं, ठीक है। यानी ही कैन नॉट पे माई स्कूल फी एज ही इज़ ऑलरेडी पेइंग फी ऑफ माई ब्रदर। देन उसके बाद क्या कह रहा है, आई एम गुड एट स्टडीज़, ठीक है। यानी कह रहा है कि
यहाँ पे आई एम गुड स्टडीज एंड आई स्टैंड फर्स्ट इन माई क्लास एवरी ईयर, यानी मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ और मैं हर साल अपनी क्लास में या अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर आता हूँ। उसके बाद क्या है, आई हैव पैसन फॉर एजुकेशन एंड वॉन्ट टू स्टडी फर्दर। फर्दर मतलब क्या होता है, आगे के लिए। पैसन मतलब क्या होता है, शौक। आई हैव पैसन फॉर एजुकेशन, आप सभी के पास एजुकेशन का भी पैशन होना चाहिए। आई हैव अ पैशन फॉर एजुकेशन एंड वॉन्ट टू स्टडी फर्दर, यानी नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, यानी मैं हर साल फर्स्ट जो क्लास है उसमें फर्स्ट ईयर आता हूँ और मुझे एजुकेशन का बहुत ज़्यादा शौक है। आप सिंपल कह सकते हो, यहाँ आप कह रहे हैं आई हैव पैसन फॉर एजुकेशन, यानी मुझे शिक्षा का शौक है और मैं आगे पढ़ाई करना चाहता हूँ, ठीक है। एंड वॉन्ट टू स्टडी फर्दर, यानी जो भी आगे की पढ़ाई है मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन कह सकते हो कि उसका जो फैमिली है बहुत ज़्यादा बड़ा है, इस तरीके का जो भी, तभी तो जो प्रिंसिपल है आपको छूट देगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं, शो आई होप दैट यू विल कंसिडर, ठीक है, कंसिडर माई रिक्वेस्ट एंड ग्रांट माई फुल फी कंसेशन टू इनेबल मी टू कंटिन्यू माई स्टडीज, ठीक है। यानी यहाँ आप कह रहा है कि अतः आशा, या कह सकते हो मुझे आशा है कि आप मेरे अनुरोध पर विचार करेंगे, ठीक है। कंसीडर, इस तरीके से विचार करना, यानी आशा है कि आप मेरे जो भी हमने रिक्वेस्ट किया है इस पे विचार करेंगे और मुझे अपनी पढ़ाई जारी रखने में सक्षम बनाने के लिए अपनी पूरी फीस रियायत प्रदान करेंगे, यानी जो भी हम छूट मांग रहे हैं इसके लिए आप आई होप कि मेरी बातों को समझेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद कह रहे हैं आई शैल बी हाईली ओब्लाइज टू यू फॉर दिस एक्ट फॉर काइंडनेस, ठीक है, यानी दयालुता के इस कार्य के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ, योर्स फैथफुली, ठीक है। एंड उसके बाद जो भी आपका नाम है, क्योंकि एड्रेस और पता नहीं लिखना है, तो आप भी एग्ज़ाम में जब इस तरीके से पूछे कि यहाँ पे लिख दे डोंट राइट योर नेम एंड एड्रेस, तो इसलिए आपको भी अपना नाम और पता नहीं लिखना है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, तो इस तरीके से पूरा एप्लीकेशन होता है, ठीक है सर। एंड नीचे जो भी लिखना होता है, योर फैथफुली, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि ही कैन नॉट ब्लैंक माई ऑफर, यहाँ पे एक्सेप्ट होगा या फिर एक्सेप्ट होगा, एक ए डबल सी होता है और एक होता है ई एक्स, ठीक। तो इसमें डिफरेंट करना बहुत, एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना और एक एक्सेप्ट मतलब होता है इसके सिवाय, ठीक है। अब दूसरा जो है डोंट, यानी डू नॉट वॉक डैश फुटेड, यानी इसमें क्या फिल करना है, तो यहाँ पे होगा, ठीक है, यानी ही कैन नॉट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट होगा यानी पहला वाला, ठीक है। ही कैन नॉट एक्सेप्ट माई ऑफर, यानी वह मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। डोंट वॉक, यहाँ पे हो जाएगा बेयर फुटेड, यानी नंगे पैर न चले, क्लियर। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जिसमें फिल इन द ब्लैंक करके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब देखिए जो आज का हमारा टॉपिक है, इसको तो आपको याद ही कर लेना है, भले ही हम क्यों क्वेश्चन तैयार करें, लेकिन जो फोर स्किल्स हैं इंग्लिश का, फोर स्किल्स आप सभी को बहुत ही अच्छे ढंग से याद होने चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि विच आर द फोर स्किल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग डिस्क्राइब इन शॉर्ट, यानी जो भाषा सीखने में जो चार कौशल होते हैं उनको बहुत ही कम शब्दों में इसके बारे में परिभाषित करें, डिस्क्राइब करें। और 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है, पहला जो है डेवलपमेंट ऑफ लिसनिंग स्किल, यानी सुनने के कौशल का विकास, ठीक है। ऑल दो मतलब होता है यद्यपि,
लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर टू डिफरेंट स्किल्स. पहला लाइन आपको बहुत ही, और मैं बार बार कहती हूँ, जो सबसे ज़्यादा जो फोकस होना चाहिए आप सभी का, इंग्लिश सेंटेंस और वर्ड टू वर्ड जितना भी मीनिंग्स है, क्योंकि आप देख सकते हो फिल इन द ब्लैंक के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. तो इस तरीके से यहाँ पे होगा, ऑल दो लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर टू डिफरेंट स्किल, यानी लिसनिंग स्पीकिंग यानी क्या, सुनना और बोलना आर टू डिफरेंट कौशल. यानी इस प्रकार जो सुनना और बोलना है एक प्रकार के दो अलग अलग कौशल्स हैं. एट ग्रुप, यहाँ तक यानी आप कह सकते हो ग्रुप टुगेदर, बट यहाँ तक ये दोनों एक साथ ही रहते हैं, ग्रुप्ड में रहते हैं. बिकॉज लर्निंग टू अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज फैसिलिटीज स्पीकिंग. ठीक है, यहाँ कह रहा है कि सुनना और बोलना दो अलग अलग कौशल है, फिर भी एक साथ समूहबद्ध किया जाता है. क्यों, ये भी जानना जरूरी है ना, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट लाइन क्या कह रहा है कि जो लिसनिंग स्किल्स है और जो स्पीकिंग स्किल्स है ये दोनों अलग अलग स्किल्स है. तो फिर क्यों, फिर कह रहा है कि फिर भी, एट एट मतलब होता है फिर भी, ग्रुप्ड टुगेदर बिकॉज, यानी फिर भी एक साथ समूहबद्ध किया जाता है. बिकॉज लर्निंग टू अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज फैसिलिटीज स्पीकिंग, सिंपल, यानी क्योंकि एक भाषा को समझना, सीखना अभ्यास, जो सीखना बोलने की सुविधा प्रदान करती है. जैसे फ्रेंड्स, हमने पहले भी इस टॉपिक पे कई बार, आई थिंक स्किल्स के बारे में हमने आपको एक सेपरेट सुनने का स्किल, बोलने का स्किल, लिखने का स्किल, ये जितने भी टॉपिक हैं हमने अलग अलग करके आप सभी को प्रोवाइड किया था. आई होप आपने वो वीडियोस देखा होगा. तो यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका लिखने, सुनने का कौशल और बोलने का कौशल दो अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ क्या है, समूहबद्ध किया जाता है, क्योंकि एक भाषा को समझने और सीखने में बोलने की सुविधा प्रदान करता है. क्योंकि जब तक हम किसी भी भाषा को सीखना है, जब तक उसको हम सुनेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं, या आप कह सकते हो जब तक हम किसी भाषा को बोलेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं. दोनों स्किल्स अलग अलग हैं, लेकिन दोनों एक साथ ही एक ही ग्रुप में रहते हैं. ठीक, यानी आसानी होती है, सुविधा प्रदान करता है. बिफोर स्टार्टिंग स्पीकिंग द लैंग्वेज सफिशियंट प्रैक्टिस इन लिसनिंग स्किल इन एसेंशियल, या कहीं कहीं इसको हम एसेंशियल भी पढ़ते हैं. ठीक है, एसेंशियल या एसेंशियल, एसेंशियल मतलब क्या होता है, तो आवश्यक, जरूरी. अब यहाँ से इसका हिंदी में बता देती हूँ. कह रहे हैं बिफोर स्टार्टिंग स्पीकिंग द लैंग्वेज सफिशियंट प्रैक्टिस इन लिसनिंग स्किल इज एसेंशियल या एसेंशियल, यानी भाषा, ठीक है, जो भाषा बोलने शुरू करने से पहले सुनने के कौशल में पर्याप्त अभ्यास आवश्यक है. यानी अगर आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो या किसी लैंग्वेज को सीखने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको सुनने के कौशल में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए. ठीक है, यानी कह रहा है कि बिफोर स्टार्टिंग स्पीकिंग द लैंग्वेज, या कह सकते हो सीखने से पहले या बोलने से पहले सफिशियंट प्रैक्टिस इन लिसनिंग स्किल एंड एसेंशियल, यानी आपको जो सीखने का, सुनने का कौशल है इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो प्रयास है बहुत ज़्यादा हो. नेक्स्ट कह रहा है ट्रेनिंग इन लिसनिंग हेल्प अ लर्नर टू अंडरस्टैंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश साउंड्स. ठीक है, यानी सुनने में प्रशिक्षण एक शिक्षार्थी को अंग्रेजी ध्वनियों की विशेषताओं को समझने में मदद करता है, क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक उसको बोल नहीं पाएंगे. यहाँ पर यही कह रहा है, सुनने में प्रशिक्षण यानी जो प्रशिक्षण होता है एक शिक्षार्थी को अंग्रेजी ध्वनियों की विशेषताओं को समझने में हेल्प करता है, मदद करता है. फिर कह रहा है कि ट्रेनिंग इन लिसनिंग. फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा. उसके बाद देखिए, ही लर्न्स टू डिस्टिंग्विश, मतलब होता है भेद करना, अंतर करना, सच साउंड विच आर सिमिलर टू हिज मदर टंग एंड आल्सो दोज विच आर नॉट फाउंड इन हिज मदर टंग. यानी वह ऐसी ध्वनियों में अंतर करना सीखते हैं जो उसकी मातृभाषा के समान होती है और वे भी जो उसकी मातृभाषा में नहीं पाई जाती है. ठीक है, ताकि क्योंकि जब सुनते हैं तभी तो उनको पता लगता है कि हाँ ये मेरा मदर टंग है या ये इंग्लिश लैंग्वेज है, क्योंकि हम सुन के ही, प्रैक्टिस करके ही उसमें भेद करना जानते हैं. तो ये पूरा है आपका डेवलपमेंट
ऑफ लिसनिंग स्किल। अब याद इसको आप किस तरीके से करते हो ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन हाँ याद तो इसको करना ही पड़ेगा आप सभी को, ठीक है। तो देन एक बार फिर से इंग्लिश टू इंग्लिश, ठीक है, डायरेक्ट मेथड, ऑल दो लिसनिंग एंड स्पीकिंग। पहला पॉइंट आप इस तरीके से याद कीजिएगा, ऑल दो लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर टू डिफरेंट स्किल एट ग्रुप टुगेदर बिकॉज लर्निंग टू अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज फैसिलिटीज स्पीकिंग। पहला पॉइंट याद हो गया, अगर आप इतना ही लिख देती हो तो बहुत ज़्यादा है, ठीक। जरूरी नहीं है कि आप पूरा लिखेंगे तभी आपको नंबर, क्योंकि अगर चारों स्किल्स पूछता है तो बस इतना ही लिखेंगे एक पॉइंट, ठीक है। लिसनिंग स्पीकिंग आर टू डिफरेंट स्किल्स एट ग्रुप टुगेदर बिकॉज लर्निंग टू अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज फैसिलिटीज स्पीकिंग, क्लियर, बस इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो है डेवलपमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल, यानी आप कह सकते हो बोलने का कौशल का विकास। ये क्या होता है, आइए इस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि ऑल्दो लिसनिंग एंड स्पीकिंग गो टुगेदर, जैसे कि इट स्पीकिंग फॉर, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया ना कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग गो टुगेदर, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कौशल तो हैं लेकिन एक साथ समूहबद्ध है, एक साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं, बोलने का कौशल और सुनने का कौशल। इट स्पीकिंग ऐसा बोला जाता है या फिर ऐसा कहा जाता है, विच एक्चुअली इन्वॉल्व्स अ लर्नर इन लर्निंग प्रोसेस व्हाइल लर्निंग मदर टंग इमिटेशन मेक्स इट पॉसिबल फॉर द चाइल्ड टू लर्न टू स्पीक। अब इतना पूरा एक पॉइंट बता देती हूँ, अगर आप इतना ही याद कर लेते हो तो इतना ज़्यादा याद नीचे वाला लाइन याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि पहला लाइन तो याद हो गया होगा। लिसनिंग एंड स्पीकिंग गो टुगेदर इट स्पीकिंग, यानी कहा जाता है बोला जाता है कि जो सुनने का कौशल है बोलने का कौशल है एक दूसरे के साथ है, विच एक्चुअली इन्वॉल्व्स अ लर्नर इन लर्निंग प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि जिसमें वास्तव में सीखने की प्रक्रिया में एक शिक्षार्थी शामिल है। कौन सीख रहा है, लर्नर सीख रहा है, शिक्षार्थी सीख रहा है, उसी के लिए तो सब कुछ ये कौशल स्किल बनाए गए हैं। उसके बाद कह रहे हैं वाइल लर्निंग मदर टंग इमिटेशन मेक्स इट पॉसिबल फॉर द चाइल्ड टू लर्न स्पीक। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर इमिटेशन मतलब होता है नकली, ठीक है, इमिटेशन मतलब होता है नकली। अब यहाँ कह रहे हैं विच लर्निंग मदर टंग, यानी जबकि मातृभाषा सीखते हुए, ठीक, इमिटेशन मेक्स इट पॉसिबल फॉर द चाइल्ड टू लर्न टू स्पीक। नकल्स यानी आप सभी को पता है, आप जो कोई भी लैंग्वेज, अभी जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, ये क्या है, इंग्लिश में है, लेकिन मैं आप सभी को मदर टंग जैसे हिंदी है, ठीक है, तो इस लैंग्वेज में हम कन्वर्ट करके उसके बाद हम आप सभी को पढ़ा रहे हैं। तो ये क्या होता है, एक क्योंकि जो भी लर्नर है उसको सीखने में आसानी हो, तभी तो इसको दोनों में कह सकते हो इन्वॉल्व किया गया है। तो यहाँ पे यही बोला गया है, इट इज़ स्पीकिंग विच एक्चुअली इन्वॉल्व्स अ लर्नर, यानी क्योंकि जो लर्नर है जो सीख रहा है, सीखने की प्रक्रिया में इसको शामिल किया जाता है। वाइल लर्निंग मदर टंग, यानी जो आपका मदर टंग है या मातृभाषा है, इमिटेशन मेक्स, ठीक है, इमिटेशन मेक इट पॉसिबल फॉर द चाइल्ड टू लर्न टू स्पीक, यानी कह सकते हो यहाँ से अगर हम जबकि मातृभाषा से सीखते हुए नकल्स यानी मातृभाषा का नकल करके बच्चे जो है बोलना सीखना संभव हो जाता है। जस्ट मैंने अभी बताया, मैं इंग्लिश में है, आप सभी को हिंदी में करके बता रही हूँ, तो ये सभी क्या होता है, सीखने में आसानी होती है। फिर कह रहा है कि इन द केस ऑफ मदर टंग, ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको फर्स्ट पॉइंट याद कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा है। इन द केस ऑफ मदर टंग इट इज़ अनकंसियस, अनकंसियस मतलब होता है अचेतन मन, अचेतन मन, कहीं कहीं बेहोश, ठीक है, अनकंसियस एंड अनइंटेंशनल, ठीक है, यानी अनजाने में। इमिटेशन मतलब जस्ट मैंने अभी बताया नकली, यानी यहाँ पे कह रहा है कि मातृभाषा के मामले में यह मतलब इसको दिखाया नहीं जाता है कि आप नकल कर रहे हो, और चेतन में, और चेतन मन यानी अनजाने में नकल किया जाता है, यानी इसको बस इस तरीके से अगर हम कहें कि एक लर्नर को सिखाने के लिए मदर टंग का यूज किया जाता है ताकि वो सीख सके, ठीक है, लिसनिंग स्किल्स का यूज़ किया जाता है। फिर क्या है, बट इन सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग इंटेंशनल,
इंटेंशनल इमिटेशन यानी जानबूझकर, इंटेंशनल मतलब होता है जानबूझकर, इंटेंशनल इमिटेशन मे इनेबल अ लर्नर टू स्पीक द लैंग्वेज, ठीक है, यानी कह रहा है लेकिन दूसरी भाषा में जानबूझकर नकल करना सीखने वाले को भाषा बोलने में सक्षम कर सकता है। तो आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ बोलने का कौशल का विकास क्लियर हो गया होगा। यानी अगर हम हिंदी में कहें कि जो सुनना और बोलना है एक साथ चलता है ऐसा बोला जाता है, जिसमें वास्तव में जो सीखना है उसी के लिए इस प्रक्रिया को शामिल किया गया है, क्योंकि मातृभाषा सीखते हुए जो बच्चे हैं उसी मातृभाषा से रिलेट करके बहुत ही आसानी के साथ उसको समझ सकते हैं। और ये जो मदर टंग का यूज़ किया जाता है इसको दिखा के नहीं, बस अनजाने में इसको सिखाया जाता है ताकि वो सीख सके, समझ सके। लेकिन दूसरी भाषा में अगर हम कहें तो जानबूझकर नकल करना, ठीक है, और सीखने वाले को भाषा जो भी लैंग्वेज सीख रहे हैं उनमें उनको सक्षम बनाना है। तो आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया। देखिए हिंदी पे आपको फोकस नहीं करना है, इंग्लिश पे। मैं बार बार आप सभी के साथ यही रिक्वेस्ट करती हूँ। तीसरा जो पॉइंट है, देखिए तीसरा जो पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी के साथ बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस कीजिए, इस तरीके से इंग्लिश याद होने वाला नहीं है, ठीक है। एक बार समझ लीजिए, बस याद कर लीजिए, एक या दो पॉइंट बस याद करना है तो करना है, ये आप ठान लीजिए। देखिए राइटिंग स्किल्स यानी लिखने का कौशल, एमोंग द ऑल फोर स्किल्स राइटिंग स्किल इज डिफिकल्ट टास्क टू लर्न। पहला लाइन हमने बार बार आप सभी को बताया है कि जो यहाँ पे हो, यहाँ पे तीसरा पॉइंट रह गया अभी। देखिए तीसरा जो पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग स्किल यानी पढ़ने के कौशल का विकास, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये भी महत्वपूर्ण है। तो आइए इसके बारे में जल्दी से इसके बारे में भी जानते हैं, और ज़्यादा जो फोकस करना है वो इंग्लिश पे ही करना है। सबसे पहले कह रहा है कि आफ्टर लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल द रीडिंग स्किल हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। यानी यहाँ पे कह रहा है कि सुनने और बोलने के कौशल के बाद पठन कौशल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। इन हेल्पिंग अ लर्नर टू रीड इंग्लिश वी शुड फॉलो द सेम ट्रीटमेंट मेड आउट टू हिम व्हेन ही लर्न्स टू रीड हिज मदर टंग। यानी सबसे पहला लाइन कहा कि जो आपका बोलने का कौशल है, पठन कौशल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। और सेकेंड जो लाइन कह रहा है कि एक शिक्षार्थी को अंग्रेजी पढ़ने के लिए, सीखने में मदद करने के लिए हमें उसी के तरह उसके साथ व्यवहार या कह सकते हो उसी जो भी उपचार है उसी प्रकार का पालन करना चाहिए जब वह अपनी मातृभाषा को पढ़ना सीखता है, ठीक। उसके बाद बिफोर स्टार्टिंग रीडिंग इन मदर टंग अ चाइल्ड गेट्स थ्रू प्रैक्टिस इन स्पीकिंग, ठीक है। और मातृभाषा में पढ़ना शुरू करने से पहले एक बच्चे को बोलने में पूरी तरह से अभ्यास मिलता है। तो सेम ये भी यही है, क्योंकि मदर टंग जब एक बच्चा मदर अपनी मातृभाषा में पढ़ना सीखता है तो उसी प्रकार से रीडिंग भी करता है और उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। देखिए फ्रेंड्स लास्ट जो कि सबसे महत्वपूर्ण, और बस दो लाइन आपको, दो पॉइंट याद करना है, इसमें ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें थोड़ा पवन सीरीज है, इसमें ज़्यादा दे दिया है। डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल यानी राइटिंग स्किल क्या है। सबसे पहला लाइन कह रहा है अमोंग द ऑल फोर स्किल, ठीक है, यानी सभी चार कौशलों में राइटिंग स्किल इज डिफ़िकल्ट टास्क टू लर्न। यानी जो राइटिंग स्किल यानी जो लिखने का कौशल होता है सबसे ज़्यादा कठिन टास्क होता है सीखने के लिए। रिटन वर्ड्स आर द विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच, क्योंकि जो आपका लिखित शब्द होते हैं किसी दूसरे के सामने विजुअल तरीके से प्रस्तुत करना होता है, क्योंकि जो आपका रीडिंग हो गया, रीडिंग हो गया, लिसनिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, ये तीनों कौशल क्या होते हैं, मौखिक रूप से हम उसे बोल सकते हैं, लेकिन जो राइटिंग स्किल्स होता है आपको विजुअल तरीके से किसी के सामने पेश करना होता है। आपने देखा भी होगा कभी कभी हम कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको हम प्रोनंसिएशन ठीक से तो कर लेते हैं लेकिन जब लिखने की बात आती है तो जो उसमें के स्पेलिंग्स होते हैं हम सही तरीके से नहीं दिखा पाते हैं। तो इसलिए बस दो पॉइंट आप याद कर सकते हो, एमोंग द ऑल फोर स्किल राइटिंग स्किल इज डिफिकल्ट टास्क to learn, written words are the visual presentation of speech. बस इतना, इससे ज़्यादा कुछ भी आप सभी को याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड्स
ये चार स्किल्स आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ याद हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ग्रामर मेथड, द डायरेक्ट मेथड, डॉक्टर न्यू और डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, जिसको न्यू मेथड भी कहा जाता है, तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ गाइस लाइक कर सकते हो, और अपने फ्रेंड्स मित्रों को तो ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।